सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। क्या नाम है? चंद्र प्रकाश कुशवाहा, मनोनीत पार्षद हूँ मैं नगर पंचायत रानीपुर से, भाजपा सरकार। मेरा भाई मामा का लड़का जगदीश कुशवाहा, सुनब श्री लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा, नारूपुरा महोबा, इनका झगड़ा हुआ था गांधीगंज में विजेंद्र कुशवाहा से। उसके बारे में पुलिस ने NCR काटी थी, ये उसकी कॉपी है, ये 19 तारीख में काटी थी। तो पुलिस का हमारे पास फ़ोन आया, बोले जानकारी के लिए, उसकी जानकारी के लिए यहाँ बुलाओ उसको। मैंने उसको बुलाया, 19 तारीख में इन्होंने 1 बजे के करीब उसको कोतवाली में बंद कर दिया। आज 3 दिन तक पुलिस उससे बराबर टॉर्चर कर रही है। एक दरोगा जी हैं, क्या नाम उनका, शाम सुबह रिमांड में लिया जा रहा है उसे, अश्वनी दीक्षित नाम है शायद उनका, ठीक है, कोतवाल मऊरानीपुर। और यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं वो कह रहे हैं उनका ड्राइवर जो है सुरेश कुशवाहा, ठीक है, कल्लू कुशवाहा है मऊरानीपुर के, उनके कहने पर उसके सुबह से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। बोले पैसे की व्यवस्था करो नहीं तो हम उस पर 25 दफ़ा लगा देंगे। तो मैंने कहा लड़ाई झगड़े में 25 दफ़ा का क्या काम? बोले नहीं, वो विधायक जी का प्रेशर है और 25 दफ़ा लगाएंगे हम तो, ठीक है। आज जब मुझे, मैं वहाँ बैठा था घर पर, मुझे जानकारी हुई, मुझे यहाँ से मऊरानीपुर से किसी का फ़ोन गया, बोले 3 दिन से जो औरत के केस में बंद था लड़ाई झगड़े में, उसकी मौत हो गई, आप जाके जानकारी करो। मैं वहाँ कोतवाली पहुँचा तो मेरे से ये कहा गया तुम्हारे भाई को उल्टी दस्त हो रहे थे इसीलिए अस्पताल भेजा गया। मैं यहाँ अस्पताल आया तो अस्पताल में जब मैंने सरकारी रजिस्टर देखा तो वो ये कहते हैं कि उसका कोई राजेंद्र नाम का शख्स है, जिसको मैं जानता नहीं हूँ, कोई मतलब नहीं है, पुलिस का मोहरा है वो, ठीक है, उसको वो लेके आया और उसका गला कटा हुआ है मेरे भाई का, एक्सीडेंट हो गया। 3 दिन से पुलिस कस्टडी में जो व्यक्ति बंद है, मैं बराबर खाना देने जा रहा हूँ, वो व्यक्ति कैसे मर सकता है? और पुलिस ने मुझे बताया नहीं जब मैं यहाँ, कुछ पता चला कहाँ है? नहीं, हमें नहीं कुछ भी पता नहीं है। हकीकत यही है कि वो मर चुका है, सब लीपापोती कर रहे हैं, वो झांसी लेके गए हैं, पता नहीं कहाँ लेके गए, हमें नहीं पता। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। क्या नाम है? शिव कुमार कुशवाहा, सनब लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा, नारूपुरा महोबा। मेरा छोटा भाई है जगदीश कुशवाहा और मेरी बोली बुआ जी हैं, वो यहाँ गांधीगंज मऊरानीपुर चौगड्डा में रहती हैं। उनका छोटा लड़का है ब्रजेंद्र कुशवाहा और 7 तारीख को उनका कुछ झगड़ा हो गया था। जिस तरह से ब्रजेंद्र कुशवाहा ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, फिर दूसरे दिन मतलब 19 तारीख को वो कह रहे हैं कि झगड़ा हुआ है, तो फिर इनने उसके जगदीश के खिलाफ FIR दर्ज की है और NCR, ठीक है। फिर इसके बाद हमें सूचना दी गई कि उसकी NCR दर्ज है और आप जगदीश को कोतवाली हाजिर करिए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। तो हम फिर उसी दिन थाने लाए और थाने, आज ये घटना हुई है कि सुबह से हम आए थे तो हमारी जगदीश से बात हुई थी। क्या जगदीश 3 दिन से थाने में था? हाँ, थाने में था और जगदीश ने किसी नंबर से फ़ोन किया था और मुझे इतना बताया था कि मेरे साथ साजिश हुई है और मुझे जेल भेजने की कोशिश की जा रही है, दफ़ा 25 फालतू में लगाई जा रही है, और जिसके कारण 3 से 7 की धमकी दे रहे थे और हमारे ऊपर दबाव बना जा रहा था कि आप पैसा नहीं देंगे तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। हाँ, आज क्या अभी सूचना मिली आपको? आज अभी सूचना मिली, अभी हमें खबर मिली थी तो हम कोतवाली पहुँचे और हमने कहा कि जगदीश कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि जगदीश को उल्टी दस्त हो रहे थे तो हमने जिला चिकित्सालय भेज दिया है। और जब जिला चिकित्सालय आए हम तो यहाँ से सूचना मिली है कि जगदीश नाम का मरीज यहाँ पे 2 बजे आया था और उसका गला कटा हुआ था, तो हमने उसको मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया है। अभी कोई पता नहीं चला, अभी जे केवल अस्पताल की सूचना है कि उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया गया है, जबकि हमें कोई अभी ठोस जानकारी नहीं मिली है कहाँ है वो, क्या है। पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कह रही है। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में किसकी साजिश है? साजिश तो ऐसा है कि हमें जानकारी मिली थी कि जिस दिन इसकी FIR हुई, हमने इसे पेश किया, तो उस दिन शाम को ब्रजेंद्र कुशवाहा निवासी गांधीगंज, सन ऑफ काशीराम कुशवाहा, वो किसी कल्लू कुशवाहा के शख्स के साथ मऊरानीपुर गया और वहाँ पर विधायक जी से मिलने गया, कितनी हमें ठोस जानकारी है। क्या घटना रही सर? ये जगदीश कुशवाहा सनफ लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा हैं,
इनके विरुद्ध एक NCR पंजीकृत हुई थी, जो बाद में मेडिकल के आधार पर 324 धारा बढ़ने पर FIR हो गई थी। इस संबंध में इनके विरुद्ध और एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके पूछताछ के लिए इनको बुलाया गया था। यहाँ पूछताछ के दौरान इनको जब टॉयलेट जाना हुआ तो टॉयलेट में इन्होंने जो है खिड़की का शीशा तोड़ करके अपने गर्दन में मार के आत्महत्या का प्रयास किया था। तत्काल इन्हें जो है पुलिस द्वारा मेडिकल CSC ले जाया गया था, जहाँ से मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया गया है और वहाँ पर डॉक्टरों की देखरेख में इनका उपचार चल रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, बताया गया है कि ये व्यक्ति एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके संबंध में भी आया। जी हाँ, वही NCR है जिसमें जो वादी हैं ब्रजेंद्र कुमार कुशवाहा, इन्होंने बताया कि NCR लिखवाई थी इसमें, तो इसी के संबंध में जो है लाया गया था। परिवार वालों का आरोप है कि सर 19 तारीख से पुलिस बैठा लेती ये, चूँकि आज इनके द्वारा बताया गया है कि पूछताछ के दौरान ये हुआ है, इस बारे में जांच करके जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें कार्रवाई की। सर, परिवार वाले का आरोप लगा रहे हैं कि किसी SI के द्वारा सर 1 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। सर, अब ये जांच का विषय है, अगर ऐसा होता है इसमें जो है विभागीय कार्रवाई। सर, लगभग दिन में 2 बजे के लगभग एक व्यक्ति आया था, क्या जगदीश नाम का, उसके साथ क्या घटना हुई थी? सर, जो पेशेंट आया था उसके गले में एक गहरा घाव था, उसको लेकर जो अटेंडेंट आया था उसने ये बताया कि रोड एक्सीडेंट में उसको ये चोट लगी हुई है, क्योंकि जब घाव गहरा होने की वजह से ऐसा लग रहा था कि उसकी सांस नली भी कट गई होगी, इसलिए मैंने उसको जल्दी से उसको प्राथमिक उपचार करने के बाद उसको झांसी रेफर कर दिया। क्या उसके साथ पुलिस थी? पुलिस उस समय नहीं थी जब मैंने पूरा उसका प्राथमिक उपचार कर दिया और रेफर कर दिया, इसके बाद पुलिस आई। उसका नाम क्या था? पेशेंट का? जगदीश कुमार। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।